तहलका भाई बाहर जाने चाहिए या इस चीज पे ये एक्शन हो मतलब मैं नहीं चाहता था वो ऑब्वियसली मेकर्स का डिसीजन है मेरा ये डिसीजन था कि उस चीज पे एटलीस्ट बात होनी चाहिए क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथ इतना आपने दिस्... बहुत बड़ा हंगामा किया था और बाद में जब जा रहे थे तब आपने बोला बिग बॉस मुझे पता ही नहीं था अगर ऐसा है तो मैं आपने अगर, अगर अगर आपने एपिसोड्स देखे हो तो उस एक दिन पहले मैंने हमेशा विक्की भाई को भी बोला है मैंने मुनावर को भी रिंकू जी को भी सबको यही बोला की मैं नहीं चाहता की उनपे ये एक्शन हो कि वो बाहर जाए और मुझे भी नहीं पता था कि वो एक्शन होगा मुझे यही था कि सिर्फ उस पर बात होनी चाहिए और जब एक दिन निकल गया बात नहीं हुई बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला वीकेंड के वार का पहला एपिसोड निकल गया करण सर ने कुछ नहीं बोला फिर अरुण भाई और तहलका भाई मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि उस बारे में बात नहीं हुई देखा वो ऐसा नहीं था सना के बारे में बात हुई तो वो बेसिकली फ़न कर रहे थे समर्थ भी वहाँ पे था और जब फन ये कर रहे थे तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ कि यार एक तो मैं चुप बैठा हूँ उस चीज़ पे कोई बात नहीं कर रही और तुम मेरा फ़न बना रहे हो उस चीज़ पे तो मेरा वो रिएक्शन निकला वो रिएक्शन निकलने के बाद जो डिसीजन आया वो वो था भाई आपको लगता है मैं बात बोलता हूं। उनका पहले हो जान तो पहले हो गया हो गया, गया? बोलो बोल। पहले तो मैं तैल का एक जान दो जिसम है जी तैल का भाई मेरे को देख रहा था कि ये मेरा दोस्त एक डेढ़ घंटे से टाय टाय कर रहा मेरा गले की जो थी वो फट गई थी बात करते करते एकदम से आवाज मेरा बैठ गया था

में बात कर रहा था तो अरुण भाई ने बीच में आके बोला था कि लड़की से ऐसे बात नहीं करते तो मेरे मन में था कि आप, आप फिर रीकैप की बात करें रीकैप नहीं आप सीधा मुद्दे की बात पे आइए नहीं मुद्दे सा... की बात है मुद्दे की बात है क्योंकि तब मैं ईशा से ईशा के बीच में क्यों गया क्योंकि ये भी लड़की से उस तरह से बात कर रहे थे तो मैं बोलने गया था आप भी लड़की से उस तरह से बात कर रहे अभी तक मैं कोई लड़की को गलत बात नहीं कर रहा है जहां पर भी अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ वीकेंड के बार पे बोला गया ऑन दी स्पॉट मैं सीधा माफी मांग लिया अगर मुझसे कुछ गलती हो गई माफी मांगने में छोटा नहीं होता भाई को क्या है वो बंदर को क्या, क्या अपना ही लाल दिखता है तो इनको यही दिखता है यह ये बंदर ये घर के अंदर इसको कुछ भी बोलो तुम नहीं सुनता ही तो बात में आपको कुछ तुम्हें तो तो का गलत बोल रहा हूँ क्या कुछ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करा गया क्या? क्या बोल अरे मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपको आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं किसी चीज के लिए आप तहलका मैं ये बोल रहा हूँ जी तहलका भाई के लिए मैं ये बोलना, बोलना चाहता हूँ मैं सॉरी हमेशा बोलता हूँ मैंने बार बार बोला जब वो जा रहे थे तब भी मैंने सॉरी बोला कि मैं ये नहीं चाहता था आई एम सॉरी तहलका भाई मैंने कभी नहीं चाहा था कि आप ऐसे जाए बट वो चीज क्या थी करण सर ने जो दिखाया वो सिर्फ मेरा नहीं दिखाया उन्होंने दस पॉइंट्स दिखाए थे तहलगा भाई के सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं दिखाया था मेरे से पहले नौ पॉइंट्स दिखाए गए थे कि ये भी किया 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 तो सिर्फ मेरी वजह से वो नहीं गए पहले की नौ गलतियां भी उसमें इंक्लूडेड थी सौ बात की एक बात तैलका के दस गलतियां होंगे उठाने में या कुछ ऐसे करने में लेकिन मुंह पे ऐसा पचखड़ मारना इसकी बड़ी गलती है दोनों का अगर कंपेयर करें तो इनका ज्यादा है और कहीं ना कहीं मैं तैलका जब मैं मेरे गम के टुकड़े में रो रहा था तो ऑन दी स्पॉट भाई पहले जो हुआ था हाँ ऊ करके हंगामा खड़ा कर दिए थे की इसको भेजो इन्हें गया कहीं को जब आज तक रो रहा था गिड़गिड़ा रहा था पागल हो गया था टेबलों पे हाथ और पीट रहा था हो हो मैंने 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 घर भेजो हो नहीं, था एक नहीं नहीं गया। नहीं 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 भाई भाई पागल आज तक बोला बोला कहा लो 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 बात बात होनी चाहिए तो जब मैंने कभी भी ये ये गया बहुत चीजें होती हैं कि नॉमिनेट कर दो जरूरी नहीं आपको निकालना चल जाएगा प्लस जी जी सॉरी क्योंकि नेक्स्ट सवाल जो लास्ट सवाल है मेरी तरफ से अंकिता से मैं पूछना चाहूँगा जब आप और विकी घर में आए थे तब सबको लगा था कि अंकिता विल बी द टॉक ऑफ़ द टाउन लेकिन यहाँ आने के बाद एग्जैक्टली उल्टा हो गया घर में विकी बी गेम द टॉक ऑफ़ द टाउन यहाँ से एक और सवाल मेरे दोस्त फैजान पूछना चाह रहे थे जो मैं अब पूछ रहा हूँ उसके बाद आपका गेम थोड़ा चेंज हुआ आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात उठाई घर में आप बातों बातों में मुनावर से आपने दोस्ती की तो क्या ये थी कि उनकी जो जो फैन फैन फॉलोइंग फॉलोइंग है है या मुनावर की जो है, वो आपको और भी आगे लेकर जाएगी नहीं राज ऐसा कुछ भी नहीं है जब हम अभिषेक और मैं बातें करते थे अभिषेक सुशांत के बहुत ज्यादा बड़े फैन थे वो अभी भी उनको इंस्पिरेशन मानते हैं कितनी बार ऐसी बातें हुई जब इनको अपने करियर के बारे में ये जब मुझसे पूछते थे कि यू नो मुझे बनना है मैं सुशांत को ये फील करता हूँ यू नो मैं सब आपके बारे में जानता हूँ मैंने आपके बारे में पढ़ा है तो मैं कितनी बार मुझे लगता था कि अगर मैं कोई चीज़ सुशांत की अच्छी बता सकती हूँ किसी को तो इस प्लेटफॉर्म पे क्यों ना सही क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं और ये मैं एज अ यू नो जो जितना मैं सुशांत के बारे में जानती हूँ उनकी जर्नी को मैंने देखा है मैंने उनको उतनी बार उस चीज़ को एक्सप्लेन किया एंड आई फील वेरी प्राउड टू टॉक अबाउट सुशांत वेर एवर आई एम देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग अबाउट सुशांत आई एम टॉकिंग ओनली गुड थिंग विच आई नो अबाउट सुशांत सो दैट्स एब्सुलूटली फाइन इफ आई टॉक समथिंग लाइक दिस क्योंकि जितना सुशांत को मैं जानती हूँ शायद कोई नहीं जानता और एक लड़का जो यू you नो know, जो सोचता है कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत जैसा बनना आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम और एनी थैंक यू सो मच हेलो एवरी वन आई एम गौतम फ्रॉम सिद्धार्थ कनन कानंद सिद्धार्थ कनन कानंदीम मेरा क्वेश्चन मुनावर के लिए है मुनावर आपका और मनारा का जो रिलेशनशिप है दोस्ती है काफ़ी हाईज एंड लोज देखे गए हैं इसमें अभी कुछ दिन पहले आपने मनारा के साथ जाके रिकंडल करने की कोशिश की आपने उनको बोला कि रिलेशन uh, को एक चांस देने की आपने बात करी और बाद में अभिषेक को आपने ये बोला कि मनारा बात करना चाहती थी आप प्रिटेंड कर रहे थे और आपका सर दर्द होने लग गया तो आपको अच्छा। क्या लगता है कि यू नो आप डुअल फेस रख रहे हो ये सवाल सिद्धार्थ भाई की साइड से भी हो सकता है <laughs> हाँ जी तो बताइए आंसर मैं क्लियरली आपको बताता हूँ उस वक्त एक कॉन्वर्जेशन थी जिसमें मैं दो तीन बार उठ के जाना चाहता था और दो तीन बार मैं उठा मनारा ने बोला उठ क्यों रहा है बैठ मैंने बोला मेरी साइड से हो गया और मैंने मनारा से आ, आपने जो भी वर्ड यूज़ किया मैं वो करने की कोशिश नहीं कर रहा था मैंने क्लियरली उनको ये बोला था कि अभी जो बच गया है थोड़ा बहुत टाइम और एन आई कैन आई कैन फील के आप जिस लेवल पे बातों में गए हो जो जो चीज़ें आपने बोली है आप अपनी साइड से वो बंद कर दो मैं अपनी साइड से बंद कर दूँ दोस्ती है या दोस्ती करनी है मुझे नहीं पता लेकिन अगर ऐसा लगा मैं गलत आप गलत करोगे मैं नहीं छोड़ूंगा आप गलत करेंगे लेकिन एक रिस्पेक्ट का दायरा वापस लाना ज़रूरी है हमारे बीच में चीज़ें नॉर्मल रहे ताकि अगर आगे जाके हमें लगे कि हाँ दोस्ती रख सकते रखेंगे अगर लगे नहीं रख सकते नहीं रखेंगे और मैं जेन्यूनली तीन बार वहाँ से उठ के जाना चाहता था और आप यहाँ पर सबको पता है कि मनारा से जो क्वेश्चन करो ना वो क्वेश्चन के जो आंसर वो वो नहीं देती है दूसरी चीज़ें लेकर आ जाती है तो डेफिनेटली मैं जो तीन बार वहाँ से उठा था ये बोल के कि भाई मुझे ख़त्म करना है और मनारा ने बोला फिनिश करके जा तो मैं वहाँ पर उठ मेरा अभिषेक को यही रीज़न था कि अभिषेक मैं डेढ़ घंटे तक बात कर रहा रहा और उसका कंक्लूजन लास्ट में वही आया जो मैंने ऑलरेडी उनको थोड़े दिन पहले आ, समझाया था तो मेरा तो सर दुख गया और डेफिनेटली मेरा सर दुख गया मैंने इससे पहले भी इनको बहुत बार बोला है कि मैं ज़्यादा लंबी बात आपसे नहीं कर पाता हूँ और वो ड्यूल फेस नहीं था मैंने कहीं ना कहीं उनको उसके बाद भी वही फील दी उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे से अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है मैंने बोला मैंने कोई अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं करी मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ इतना ज़्यादा आपने मच्छियाँ धोली थी ना मेरे ऊपर इसलिए मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी आपको अच्छा लग रहा है तो वही था और कोई ड्यूल फेस नहीं था मैंने उनको क्लियरली बोला अच्छा लगा तो दोस्ती रखेंगे नहीं अच्छा लगा नहीं रखेंगे मनारा आप कुछ कहना चाहते हैं जी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने वर्ड यूज़ किया डूल फेस मुझे कॉन्वर्सेशन में भी इस शो में इनकी तरफ से एक डूल फ़ेस दिखा है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिनके साथ इन्होंने भी आठ आठ घंटे बैठ के बातें करी हैं जिनमें से अभिषेक है एक रिंकू जी हैं एक इनकी दोस्त आयशा है एक एक टाइम पे अंकिता जी से आठ घंटे नहीं बट प्रबली बहुत टाइम स्पेंड करा है एंड ये कहीं ना कहीं शो में इन्होंने खुद बोला है कि मनारा इस घर में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे समझता है वो तुम हो तो कहीं ना कहीं आपने कम कॉन्वर्सेशन में भी उस इंसान को ज़्यादा समझा है तो आज मैं तभी इनको समझ पाती हूँ पर अगर चोथे, आज चौथे पाँच जी पर आज वो इंसान के पास जब आप वापस आना चाहते हो कहीं ना कहीं आप उसको कह रहे हो कि मैं सब नॉर्मल रखते हैं विच मीन्स आप कहीं ना कहीं उस इंसान के पास वापस कॉडियल होना चाहते हो तो आपको भी उस इंसान की समझ आनी चाहिए आज की वो इतना टाइम आपसे मेरे अंदर, एन, अंदर एनर्जी इनके पास बाकी सबसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए एनर्जी होती है बट जब मनारा से कॉन्वर्सेशन करनी होती है बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे उन्हें सही एक नैरेटिव भी सेट करना है और मनारा और उनके बीच में एक नैरेटिव से ज़्यादा भी सेट हो गया तो ही ऑलवेज़ वांट्स टू शो कि यू you नो know, यही लड़की है जैसे उन्होंने लास्ट की लाइन बोली तुम जा क्यों रहे हो बात खत्म करते तो यही नैरेटिव बात जाता है कि मनारा जो है वो डेस्परेट हो रही है बात करने के लिए मुनवर से इट्स नॉट

आप डेढ़ महीने के बाद आए हैं बिकॉज हर वीकेंड के वार के साथ आप दूर हो रहे थे आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे थे उसके बाद आपकी दोस्त आ गई आपने कट ऑफ़ कर दिया आपकी दोस्त को फूड पॉइजनिंग हो गई उससे पहले आप दोस्ती का हाथ बढ़ा के दिल दे रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं फिर दोबारा दोस्त आई आप बदल गए अब आप दोबारा आना चाहते हैं तो ये सब चीज़ जो डेढ़ महीने में हुई है एक दोस्त एक एक्सप्लेनेशन तो डिजर्व करता है कि वो आज भी आपके साथ एक किचन में खड़ा हो तो वो एक कंफर्ट लेवल तो फील करे मेरा वो कंफर्ट लेवल आया ही नहीं क्योंकि आज भी मेरे दिमाग में वो सर के शब्द आते आप, हैं तीन हफ्ते जब आप मनारा उनके पास जाती थी ना उनको पूछने के लिए कि हाउ आर यू फीलिंग या मैं आपको समझना चाहती हूँ वोने भी लगती थी मेरे को आज भी एक किचन में खड़े हुए एक हिच आता है एंड आई के नॉट रिमूव दैट हिच नाउ सो दैट इज द थिंग तो अगर आपने अभिषेक को जाके बोला है सिर दर्द हो रहा है सो आई नो आपने कैसे बोला होगा क्योंकि मुनवरे शो में बहुत चीजें मुझे आंखों आंखों में ही बोलते रहे हैं और मैंने भी आंखों में बोला बिकॉज वी अंडरस्टैंड बिकॉज अगर मैं भी किसी के साथ एक महीना रहूंगी आई विल अंडरस्टैंड बट वो चीजें कैमरा कैच नहीं करता वो सिर्फ कैमरा कैच करता है भाई आंखें तो सबसे ज़्यादा कैच करता है जी आई एम सॉरी एक्सप्लेनेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं दो दिन पहले बोलते यू डोंट डिजर्व एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड